सब पूछेंगे कि फोन कहाँ से आया तो? अरे हाँ, मोंटू ने बोला ना कि पुराने फोन के एक्सचेंज में ये फोन दिया है, वही बोल दूंगा। बोलो 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 मेरे बोगी नाचते नाचते आता ही होगा अभी फोन दिखाने। हम भी देखते हैं कैसा है उसका नया फोन। हाँ यार, इस मोंटू ने अपने गोगी को पूरा बदल दिया। टप्पू साहेबान गोली खतरदार और पिंकू सोनू मेहरबान, देखो देखो कौन आया है। ओ, गोगी आया है और साथ में क्या लाया? सबसे लेटेस्ट, सबसे फास्ट सुपर एक्स 100 मोबाइल। वाओ, थैंक यू। टप्पू देख, मोंटू डार्लिंग ने मुझे नया मोबाइल दिया। अरे वाह, गुड यार। पर गोगी, ये तो बहुत महंगा फोन है ना? हाँ, और सोडियम का ने तुझे खरीदने के पैसे दिए? नहीं नहीं, तो फिर तू इतने सारे पैसे लाया कहाँ से? दोस्ती में पैसों की गिनती नहीं होती टप्पू। टप्पू, ये मोबाइल मोंटू ने मेरे पुराने मोबाइल के एक्सचेंज में गिफ्ट दिया है। मोंटू ने तुझे इतना महंगा फोन गिफ्ट में दे दिया? हाँ, दोस्त हो तो मोंटू जैसा, समझा? चला गोगी, अभी ज्यादा उछल मत। उछलूंगा मैं तो, बहुत उछलूंगा। आप लोग सब बोल रहे थे ना कि मोंटू से दूर रहूं, वो उसको मिलूं नहीं, पर अब देखो मोंटू से फ्रेंडशिप रखने का रिजल्ट। सबसे पहले बॉक्स खोलता हूँ, सिम कार्ड डालकर फोन ऑन करता हूँ और सबसे पहले पापा को फोन करता हूँ। और बोले 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 तो पेश है गोगी का नया मोबाइल, सुपर एक्स 100 मोबाइल। गोगी, तेरा ये सुपर एक्स 100 मोबाइल साबुन की टिक्किया जैसा क्यों लग रहा है? समझा नहीं ना यार टप्पू, ये सब हाईटेक फोन है यार, 2-in-1 है। तू इससे फोन भी कर सकता है, और बीच रास्ते में तुझे याद आया, अरे बाप रे मेरे कपड़े खराब हो गए यार, तू कपड़े धो भी सकता है। संभाल ना भाई, इसको ज्यादा बाथरूम में मत लेके जाना वरना भाई तेरा ये फोन पिघल जाएगा। चल गोगी, बहुत मस्ती हो गई, अब असली फोन दिखा। हां चल, अभी ये सब क्या है? इसके अंदर तो फोन नहीं है, मोंटू ने मुझे यही बॉक्स दिया है, ऐसे कैसे हो सकते है? उत्तरी 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 उत्तरी। ओके, मोंटू ने तुझे बेवकूफ बनाया है, मना किया था मत रहे उसके साथ, ऐसे लोगों के साथ दोस्ती रखेगा तो ऐसा ही होगा ना? नहीं, मोंटू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो ऐसा नहीं कर सकता, मैं अभी उससे बात करता हूँ। पुत्री, कहाँ? वो मेरा मोबाइल तो मोंटू लेकर गया। मतलब मोंटू तुझे नए मोबाइल का पपलू देकर तेरा पुराना फोन लेकर चला गया? नहीं, मोंटू ऐसे नहीं कर सकता। अरे मैं उससे बात करता हूँ। पागल है टप्पू यार, प्लीज हेल्प कर, मेरा मोंटू से बात करना बहुत जरूरी है वरना प्रॉब्लम हो जाएगा। मैंने मोंटू को 10,000 रुपए भी दिए। क्या? क्या? अरे लेकिन तूने तो कहा ना कि मोंटू ने तुझे तेरे पुराने फोन के एक्सचेंज में ये नया फोन दिया है। हाँ। नहीं यार, मैंने पैसे दिए, ये वाली बात तो मैंने झूठ बोली थी। मैं सब बाद में बताता हूँ, पर पहले मेरा मोंटू से बात करना बहुत जरूरी है।
किसी के पास मोंटू का नंबर है? मेरे पास है। दे दे, जल्दी नंबर दे। 9892 69। ये ले, बात कर। स्पीकर पे रख। हेलो, वो मोंटू, मैं गोगी बोल रहा हूँ। हाँ बोलना डार्लिंग, ये किसका नंबर है? किसी का भी नंबर हो, पहले तू बता तू कहाँ है। कैसा लगा सुपर एक्स 100 मोबाइल? मस्त है ना? ओए मस्त मस्त कुछ नहीं, मैंने बॉक्स खोला तो साबुन की टिक्कियां निकली, फोन तो अंदर है ही नहीं। क्या बात कर रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा हो नहीं सकता मतलब ऐसा ही हुआ है। ओए मुझे मेरा सुपर एक्स 100 मोबाइल चाहिए अभी के अभी। करेक्ट। देख गोगी डाली, पहले तो तू आवाज नीचे रख के बात कर, समझा? मैंने तुझे बॉक्स पैक मोबाइल दिया था। हाँ दिया था। हाँ तो बस बात खत्म, मैंने पैसे लिए और मोबाइल दिया। हाँ तो मोबाइल है कहाँ? अंदर तो साबुन की टिक्की है। ओए मोंटू, तूने मुझे उल्लू बनाया। नहीं यार, मैं तुझे क्यों उल्लू बनाऊंगा डार्लिंग, मैं मोबाइल घर पे थोड़ी बनाता हूँ। मुझे जो सील पैक बॉक्स मार्केट से मिला वही बॉक्स मैंने तुझे दिया, अभी उसमें से साबुन की टिक्कियां निकली तो मैं क्या कर सकता हूँ। तू और तेरा दोस्त टप्पू दोनों मिलके मुझे बेवकूफ बना रहे हो। ओए मोंटू, टप्पू को बीच में मत ला। तुझे बोला ना आवाज नीचे रख, तुझे सब पहले चेक करके लेना चाहिए ना। तूने चेक नहीं किया तो क्या मेरी गलती है? मैंने मोबाइल तुझे दिया ही है, मतलब दिया है। आगे मुझे कुछ मालूम नहीं है, बार बार मुझे फोन करके डिस्टर्ब मत कर, मैं बिजी हूँ। बाय। देखा देखा तेरे बेस्ट फ्रेंड का असली चेहरा, मना किया था उसके साथ मत रहे मत रहे, लेकिन तुझे पता नहीं क्या हो गया था। आप बोलना गोगी, दोस्त हो तो मोंटू जैसा डार्लिंग। क्यों, दोस्ती में तो पैसों की गिनती नहीं होती ना। देख अभी मोंटू तेरे 10,000 रुपए और फोन दोनों लेके भाग गया। तेरे पैसे। अब क्या पैसे पैसे कर रहा है? एक मिनट, तेरे पास इतने पैसे कहां से हैं? Exactly. हाँ। वो पॉकेट मनी के 5,000 मेरे पास थे और दूसरे 5,000 वो क्या वो? अरे वो क्या कर रहे है बता, दूसरे 5,000 कहाँ से आए? हाँ बोल बोल। दूसरे 5,000 के लिए मैंने मम्मी से झूठ बोला। मेरे कॉलेज में एक लड़का है, मतलब मेरे क्लास में एक लड़का है, उसके पापा की तबीयत बहुत खराब है और मेरे दोस्त के पास दवाई के पैसे नहीं है, तो उसे 5,000 रुपया दे के मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ। गोगी, तूने पैसों के लिए इतना बड़ा झूठ बोला? हाँ, मैंने झूठ क्यों बोला? मैं पैसे भी गए और मोबाइल भी, और उस मोंटू को तो मैं चटका नहीं। गोगी शांत हो जा। अच्छा एक बात बता, जब मोंटू ने तुझे फोन दिया तब किसी ने देखा था? नहीं। तूने मोंटू को पैसे दिए वो किसी ने देखा? नहीं। यार गोगी बहुत स्मार्ट खेल गया ये मोंटू, अब तू साबित कैसे करेगा कि तूने मोंटू को पैसे और मोबाइल दिया और उसके बदले उसने तुझे साबुन की टिक्कियां दी है? बोल। मैं मम्मी को क्या मुंह दिखाऊंगा, पापा को पता चलेगा तो क्या होगा? गोगी तू शांत हो जा, सब ठीक हो जाएगा, तू चिंता मत कर। इतना भी बड्डा नहीं हुआ कि 40,000 का फोन लेकर दे। बड्डा ने इम्प्रेस कर कुछ है ना, तो अपनी पढ़ाई से कर, मोबाइल से नहीं। अरे कोगे पुत्र, थैंक यू सो मच मम्मी, लव यू। यस गोगी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तू पैसों के लिए झूठ बोल रहा है? नहीं नहीं मम्मी, अगर तू झूठ बोल रहा होगा ना तो मैं तेरे पापा तुझे कभी भी माफ नहीं करेगा। मैं कहीं भाग जाता हूँ। एक थप्पड़ मारूंगा तेरे से भागने का भूत उतर जाएगा। एक तो तूने गलती की, घर पे झूठ बोला, हम सबसे झूठ बोला, और जब गलती पकड़ी गई तो तू सिचुएशन से डरकर भाग रहा है। अगर तू भागेगा तो तुझे तेरे पैसे मोबाइल सब मिल जाएगा वापस। और मैं क्या करूं,
मैंने मम्मी पापा से झूठ बोला है। तो ये सब पहले सोचना चाहिए था ना गोगी? पहले ही सोचना चाहिए था, पर अब मैं क्या करूं? मुझे मेरा मोबाइल और पैसे वापस चाहिए। टप्पू यारा प्लीज कुछ कर। अब बस एक ही तरीका है, हमें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। गोगी पुलिस स्टेशन जाकर तू सब कुछ सच सच बता दे कि तेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। पुलिस पैसे भी वापस दिला देगी और फोन भी। पर मोंटू मेरा फोन बेच देगा तो? अरे गोगी तो अच्छी बात है ना, अगर वो फोन बेच देगा तो पुलिस वो फोन ट्रैक कर लेगी, और एक बार हमें फोन मिल गया तो पुलिस मोंटू को भी पकड़ लेगी। चलो 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 जल्दी चलो जल्दी चलो। अरे क्या हो गया मोंटू, रुक क्यों गया? सोच रहा हूँ गोगी का मोबाइल यहाँ नजदीक में कहीं बेच दे, फिर जम के पार्टी करेंगे। पर उसका मोबाइल बेचेंगे कहाँ? वही तो सोच रहा हूँ कि आसपास इस एरिया में बेस्ट प्राइस मिलेगा कहाँ? एक दुकान है, उधर जाएंगे तो अपना काम हो सकता है। क्या नाम है दुकान का? गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तुम लोग यही रुको, हम लोग आते हैं। कोकोनट कंपनी को चेक देना था, दे दिया। कहाँ से दे दू? आप मुझे चेक साइन करके दो तो दू ना। आप मुझे चेकबुक देंगे तो मैं साइन करूंगा ना नटू काका। चेकबुक तो मैंने कल ही दी थी आपको। कल कब? याद कीजिए, आप गोडाउन में थे, मैं चेकबुक लेके आया था गोडाउन में, और आपको मैंने बोला कि कोकोनट कंपनी के चेक पे साइन कर दीजिए, और दो तीन चेक भी साइन करने हैं। आपने बोला ठीक है यहाँ रख दो, मैं बाद में चेक साइन करके चेकबुक दुकान में ले आता हूँ। तो अभी तक मैं राह देख रहा हूँ, आप चेकबुक लेकर आए ही नहीं। हाँ वो चेक सब मैंने साइन कर दिया, वो गोडाउन में ही है, मैं अभी लेके आता हूँ। तब तक बागा मेरे लिए एक चाय बोल के आ भाई। बागा क्या कर रहे हैं आप सेठ जी, मैं डर गया। अरे भाई मैं तो जब से मैंने तुझे काम पे रखा है ना तब से डरा हुआ हूँ। क्यों क्यों क्या? जब देखो तब अपने नाम को सार्थक करता रहता है। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। तेरा नाम क्या है? बाघा। तो जब देखो तब आगे पीछे देखे बिना, कुछ सोचे समझे बिना बाघे की तरह काम करता है। सेठ जी मैंने कब ऐसे काम किया? अरे कब क्या, अभी मैंने दो बार तुझे बोला कि बका जा मेरे लिए चाय बोल क्या, लेकिन तेरा ध्यान ही नहीं है। तू तो बस ख्यालों में खोए हुए और टीवी का एक पन्ना पकड़ के बस ऐसे सब किया जा रहा है। नहीं नहीं सेठ जी, मैं ख्यालों में खोया हुआ नहीं था। तो? मैं टीवी का ये कोना साफ करते करते वो कोना देख रहा था। ये कोना तो कोने जैसा ही है लेकिन वो कोना थोड़ा राउंड है, ऐसा क्यों? राउंड है? हाँ देखिए। अरे क्या राउंड है, वो कोना ही है बराबर। नहीं नहीं सेठ जी राउंड है। एक मिनट लेट मी सी। हाँ एक मिनट सेठ जी, जरा मुझे उठाइए तो। क्या? नहीं सेठ जी मैं उठाता हूँ। नटू काका बागा पुट मी डाउन। बागा ये कोना प्रॉपर कोना ही है। अब यहाँ आइए नटू काका, यहाँ से देखिए, यहां से राउंड ही दिख रहा है। लेट मी सी। आइए। यस बागा यू आर राइट, यहां से राउंड दिखता है। हाँ एक मिनट देखो। देखिए बागा अरे भाई वो कोना ही है, वो क्या वो लाइट उस पर उस तरह पड़ रही है ना इसलिए वो राउंड का भास हो रहा है, बाकी वो कोना कोना ही है भाई। बाबा ब्रिलियंट ब्रेवो, व्हाट ए लाइट वेंशन, आई मीन व्हाट ए संशोधन, नहीं बागा?
हाँ नेटू काका सेठ जी। ए भाई बस अभी बस करो या टाइम पास बंद करो। तू जा पाए मेरे लिए रजवाड़ी चाय लेके आ जा। सेठ जी रुक बागा, आज सेठ जी ने अपनी बुद्धि का जबरदस्त प्रदर्शन किया है, इसलिए एक रजवाड़ी चाय नहीं 3 रजवाड़ी चाय बोल। अरे भाई मुझे एक ही रजवाड़ी चाय पीनी है बस, बाकी की 2 चाय हम पियेंगे ना। ठीक है भाई 3 रजवाड़ी चाय बोल बस। सेठ जी अब वहाँ जाकर चाय का ऑर्डर देने का जमाना गया, मैं एक फोन करूँगा और रजवाड़ी चाय हाजिर हो जाएगी। मैं अभी फोन कर देता हूँ और मैं गोडाउन से चेकबुक लेके आता हूँ। जी नटू काका ये जरा रख दीजिए प्लीज। आई 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 नटू काका बागा जरा देखो क्या चाहिए इनको। आई वेलकम, इस एरिया की मशहूर दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स 3 रजवाड़ी चाय। बोलिए क्या लेंगे, बोलिए बोलिए। मोबाइल, हेडफोन, ब्लूटूथ स्पीकर, हाँ या फिर टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी। मैं यहाँ कुछ खरीदने नहीं, बेचने आया। सेल्समैन हो? नो नो डार्लिंग, मुझे तो अपना ये मोबाइल बेचना है। बगा बॉय टेक ओवर। आय आय सर दिखाई। अरे एकदम चालू है। नहीं नहीं चालू नहीं, एकदम मस्त कंपनी का फोन है। अरे मेरा मतलब चालू कंडीशन में है। ओ अच्छा अच्छा, वो तो मैं देख ही रहा हूँ। ये आपका फोन है ना? हाँ मेरा ही फोन है। तो फिर इसका ओरिजिनल बिल, बॉक्स और चार्जर दीजिए फटाफट। बॉक्स और बिल तो नहीं है, वो एक्चुअली क्या है ना, ये मोबाइल मेरे पापा ने मुझे गिफ्ट दिया था और पापा तो आउट ऑफ इंडिया ही रहते हैं, तो बिल और बॉक्स कहाँ से लाऊं? अच्छा अच्छा ठीक है। वाह कैमरा भी एकदम बढ़िया है, देखो देखो एकदम वर्किंग कंडीशन में। अरे वो तो मेरी पारखू नजर ने पहले ही परख लिया था, लेकिन आपके पास इसका ओरिजिनल बिल नहीं है। हाँ तो आप 200-300 कम दे देना। वैसे कितना आएगा इसका? एक मिनट। नटू काका ये देखिए ये पीस है, क्या लगता है आपको कितने में डील करनी चाहिए? अरे बाका मोबाइल एक्सपर्ट तू है, कोई नक्की करना है। नटू काका मेरे हिसाब से हमें 5,000 रुपए देने चाहिए। पीस बराबर है ना? पीस एकदम बढ़िया है नटू काका, अगर 5,000 में सौदा करेंगे तो हमें बहुत फायदा होगा। ठीक है ठीक है, लेकिन बागा एक बार सेठ जी से पूछ लेना चाहिए। नटू काका सेठ जी से पूछेंगे तो वो वही कहेंगे कि बागा मोबाइल एक्सपर्ट तू है, तुझे जो ठीक लगे वो तू कर। सेठ जी को मैं समझा दूंगा नटू काका, बताइए डील लॉक कर दो। ओके देखो हमारे हिसाब से आपके इस मोबाइल के 5,000 रुपए आएंगे। सिर्फ 5,000? कम से कम 15,000 का मोबाइल है, आधे पैसे तो मिलने चाहिए ना। बराबर है, लेकिन आपके पास इस मोबाइल का ओरिजिनल बिल, चार्जर, बॉक्स कुछ भी तो नहीं है। अगर होता तो मैं 1,000-1,500 यहाँ वहाँ करके आपको दे देता। ठीक है चलेगा, आप 5,000 दे दीजिए। जी नटू काका लीजिए। वन मिनट, ये मोबाइल तुम क्यों बेच रहे हो? वो क्या है ना, मेरे पास 2 मोबाइल हो गए इसलिए एक बेच रहा हूँ, और 2 मोबाइल होने से ना पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता। अच्छा 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 ठीक है बेटा, लो बेटा। थैंक यू। ओके चलो पाका, ये मोबाइल चोरी का तो नहीं होगा ना? अरे नहीं नट्टू काका, आपने देखा नहीं ये दोनों बच्चे कितने शरीफ घर के लग रहे थे। नट्टू काका ये एकदम फायदे का सौदा रहा है। ओ हो हो हो, इस मोबाइल की यात्रा तो कमाल की है। गोगी का मोबाइल यात्रा करके पहुंचा मोंटू के पास, मोंटू से यात्रा करके पहुंच गया मेरे परम मित्र जेठालाल की दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स पे। पूरी दुनिया में और कोई दुकान मिली नहीं मोंटू को, यही दुकान मिली और यही मोबाइल बेच दिया। बड़ा खुश है इस वक्त कि मोबाइल के दाम मिल गए उसे, और इस वक्त
नटू काका और बाघा भी बड़े खुश है कि उन्हें सही मोबाइल मिल गया है कम दामों पर। दोनों को लग रहा है कि उनके लिए सौदा फायदे का हुआ है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, ये फायदे का सौदा मेरे मित्र जेठालाल के लिए बड़ा ही नुकसान का होने वाला है। जेठालाल की दुनिया में भूकंप आने वाला है। जेठालाल की दुनिया ऐसी वाइब्रेट करने वाली है कि पूछिए मत। अब क्या होगा आगे, ये देखने वाली बात होगी। सवाल बहुत सारे हैं, क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह से होगा, भाई सवाल तो खूब है, लेकिन हर सवाल का जवाब आपको इस तरह से मिलेगा कि आपके चेहरों पे फोन जिस तरह साइलेंट रहता है, साइलेंट नहीं रहेगा आपका चेहरा, और वहां पे हंसी की घंटी बजेगी। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.